अभी आप सुबह सिर्फ भूखी भैंस कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। आप इस हालत में भूखे रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। आप चले मेरे साथ, हम वो कुछ खाते हैं। बाद में खा लेंगी। मुझे आपको इस हालत में बताना ही नहीं चाहिए था, ना फोन दिखाना चाहिए था। इससे क्या होना था आया? सच ज्यादा देर छुप तो नहीं सकता। अगर तुम मुझे वो ना दिखाती तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल ही जाना था। लेकिन आप ही सत्यन भाई को दिखाया, प्लीज उस शख्स का नाम मत लेना। नफरत है मुझे उससे और उसके घर वालों से। मैंने क्या सोच के शादी की थी और क्या हो गया मेरे साथ? तो सोचा था कि सिप्टेन के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगी मैं, फिर मेरी तो जिंदगी तहस नहस कर दी है इन लोगों ने। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते छीन लिए मुझसे। क्या बिगाड़ा था मैंने इन लोगों का? सब बात कर दिया उन्होंने सब। हया, अम्मी और बाबा ने हमें इतनी अच्छी तरबियत दी है कि हम अपने लिए स्टैंड ले सके। कि तुम जानते हो, मैं हर चीज चुप करके बर्दाश्त करती रही हूँ घर में, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बच जाए, ये रिश्ता बच जाए। क्या फायदा हुआ? तो मुझे बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। आपने इतना कुछ कैसे सह लिया? था नहीं हया, मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, वरना तो मैं के खत्म हो गई होती। अब आपकी तकलीफ देखकर समझ में आ रहा है, जो आपने मुझे बातें समझाई थी वो सब आपकी आप बीती थी। पता है हया, बहुत सारी चीजें ना इंसान को एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ आते हैं। समझ लो मेरे साथ भी यही हुआ है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं हूं ना आपके पास, आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आप खुद को अकेला ना समझना। नाचो।